नमस्कार दोस्तों, अजय ट्रेडर्स की लर्न एंड अर्न की और एक वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे कि ऑप्शन में हमें ट्रेड कैसे करना है। मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे पूछा था कि मुझे ऑप्शन में ट्रेड करना सीखना है, तो आज मुझे टाइम मिल रहा है और मैं आपके लिए आज वीडियो बना रहा हूँ ऑप्शन के लिए। फ्रेंड्स, अगर हो सके तो इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों को शेयर करो, वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। फ्रेंड्स, हम आज सीखने वाले हैं ऑप्शन में हमें ट्रेड कैसा करना है। तो हर बार की तरह हमें कुछ पॉइंट हमें ध्यान में रखना है, उस पॉइंट को हम पहले कवर कर लेते हैं। उसके बाद में मैं आपको NSE BSE की साइट पे जाके बताऊंगा कि ऑप्शन चैन कहाँ से हम देख सकते हैं। और अगर फ्रेंड्स, अगर आपके पास डीमैट अकाउंट होता है तो उस डीमैट अकाउंट में भी आप ऑप्शन चैन देख सकते हो। और अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो आप इस चैनल के वीडियो के नीचे लिंक है, उससे आप न्यू डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। तो आइए देखते हैं फ्रेंड्स ऑप्शन के बारे में। फ्रेंड्स, स्टॉक ऑप्शन आता है, बैंक निफ्टी ऑप्शन है, निफ्टी ऑप्शन, हाउ टू ट्रेड। ओके फ्रेंड्स, तो इसके अंदर मैंने कुछ पॉइंट कवर किए हैं, जिसमें पहला रहेगा फ्रेंड्स टाइप ऑप्शन। कितने टाइप के ऑप्शन रहता है फ्रेंड्स? तो सबसे पहले इक्विटी ऑप्शन है फ्रेंड्स, जिसमें हम कोई भी स्टॉक रहता है इसमें हम ऑप्शन में ट्रेड कर सकते हैं। जैसे कि रिलायंस है, HDFC बैंक है, एक्सिस बैंक है, L&T है, ऐसे बहुत सारी लिस्टेड कंपनी है जिससे हम ऑप्शन में ट्रेड कर सकते हैं, जिसको मैं स्क्रीन पे जाके मैं बाद में बताऊँगा कि हमें इसमें कैसे स्ट्राइक प्राइस हमें सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, दूसरा रहेगा फ्रेंड्स बैंक निफ्टी ऑप्शन। फ्रेंड्स, दूसरे में रहेगा जो बैंक निफ्टी रहता है, यानी जो बैंक रहती है, जैसे कि HDFC बैंक रहेगी, एक्सिस बैंक रहेगी, SBI बैंक रहेगी, ICICI बैंक रहेगी, इंडस्ट्री बैंक रहेगी, कोटक बैंक रहेगी, ऐसे बहुत सारी बैंक हैं जो सब कुछ मिला के एक ऑप्शन क्रिएट होता है, जिसको हम बोलते हैं ऑप्शन, बैंक निफ्टी का ऑप्शन। ओके, वो सब बैंक में जो मूवमेंट आता है वो सारे मूवमेंट का इफेक्ट पड़ता है हमारे बैंक निफ्टी ऑप्शन में, उसका मूवमेंट पड़ता है। ओके, और तीसरा रहता है फ्रेंड्स निफ्टी ऑप्शन। जैसे कि हमने बैंक निफ्टी के बारे में देखा कि बैंक निफ्टी जितनी बैंक रहती है उसमें जो हर रोज जो डेली जो बाय और सेल होता है उसके हिसाब से बैंक निफ्टी ऑप्शन चलता है, वैसे ही फिर निफ्टी में जितने भी निफ्टी 50 में जितने भी स्टॉक रहते हैं उसमें जो हर रोज जो उतार चढ़ाव होता है, बाय और सेल होता है, सौदा होता है, उसका सीधा इफेक्ट चलता है निफ्टी ऑप्शन में। तो उसके हिसाब से हमारा निफ्टी ऑप्शन भी फ्रेंड्स चलता है। चौथा पॉइंट रहेगा फ्रेंड्स इक्विटी ऑप्शन, बैंक निफ्टी ऑप्शन और निफ्टी के ऑप्शन में क्या फ़र्क है। फ्रेंड्स, इक्विटी ऑप्शन यानी स्टॉक ऑप्शन, स्टॉक ऑप्शन यानी समझ लो, मैं रिलायंस का पकड़ लेता हूँ। अगर रिलायंस के ऑप्शन में आपको ट्रेड करना है तो उसमें एक्सपायरी डेट भी आती है। एक्सपायरी डेट बैंक निफ्टी ऑप्शन में भी आती है, निफ्टी ऑप्शन में भी आती है और स्टॉक इक्विटी ऑप्शन में भी आता है। जैसे कि इक्विटी ऑप्शन में पकड़ लेता हूँ कि रिलायंस का मैंने कॉल या पुट लिया हो तो उसका एक्सपायरी डेट मंथली का लास्ट गुरुवार जो रहता है, थर्सडे जो रहता है, उस थर्सडे को वो एक्सपायर हो जाता है। ओके फ्रेंड्स, यानी लास्ट गुरुवार तक शाम 3:30 बजे जब हमारा मार्केट क्लोज होता है तब उसका एक्सपायरी हो जाता है। उसके बाद फ्राइडे को वो ज़ीरो हो जाता है, उसी दिन ज़ीरो हो जाता है, यानी फ्राइडे को आप उसको काम में नहीं ले सकते, तो आपको लास्ट गुरुवार तक उसको सेल कर देना पड़ता है फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, वैसे ही अगर बैंक निफ्टी ऑप्शन में देखा जाए तो बैंक निफ्टी ऑप्शन और निफ्टी ऑप्शन में वीकली एक्सपायरी होती है, यानी हर थर्सडे को उसका एक्सपायरी हो सकता है फ्रेंड्स बैंक निफ्टी ऑप्शन और निफ्टी ऑप्शन में। जैसे कि समझ लो कि आज मंगलवार है और आज के दिन मार्केट क्लोज है, लेकिन गुरुवार को मार्केट ओपन होगा और गुरुवार को मार्केट ओपन होगा तो गुरुवार उसका वीकली एक्सपायरी माना जाएगा, और जब गुरुवार खत्म होता है तो फ्राइडे से न्यू वीकली एक्सपायरी स्टार्ट होता है, यानी फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे और थर्सडे, एवरी वीकली एक्सपायरी आता है फ्रेंड्स बैंक निफ्टी ऑप्शन और निफ्टी ऑप्शन में। और इक्विटी स्टॉक में फ्रेंड्स मंथली एक्सपायरी आता है, ये बात माइंड में आप बिठा लो। ये फिफ्थ आएगा, रिटर्न किसमें ज़्यादा मिलता है। फ्रेंड्स, रिटर्न अगर देखा जाए तो जिसको भी ऑप्शन में नहीं आता है उसको अगर मैं मानूँ तो ऑप्शन पहले सीखना पड़ेगा, उसके बाद ऑप्शन में आप आइए। अगर स्टॉक में आप इन्वेस्ट करते हो, चलो बैंक से स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, अगर आप बैंक में फिक्स पैसा रखते हो 1 साल के लिए तो आपको बैंक कितना परसेंटेज रिटर्न देती है, 4% 5% या 6%, उससे अच्छा बेहतर क्या रहता है स्टॉक। अगर आप स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो तो इसमें आपको कितना रिटर्न मिल सकता है, सालाना या मंथली,
10-12% है या 15% है, और अगर इससे भी अच्छा हम देखें तो म्यूचुअल फंड में भी सालाना 10-15% हमें रिटर्न मिलता है। उससे भी ज़्यादा फ्रेंड्स अगर रिटर्न आपको चाहिए तो इक्विटी ऑप्शन या बैंक निफ्टी ऑप्शन या निफ्टी ऑप्शन में आपको मिलेगा। इसमें हर दिन अगर आप नॉलेज के साथ उतरोगे तो आप डेली 5%, 10%, 15% आप कमा सकते हो इस ऑप्शन में, और जितना कमा सकते हो उतना रिस्क भी उतना ही फ्रेंड्स ज़्यादा है। अगर आप बिना हथियार के आप अगर मीडिया में उतर जाओगे, बिना नॉलेज के आप अगर उसमें उतर जाओगे तो आपकी इसमें हार ही होगी फ्रेंड्स। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपको ऑप्शन में आना है तो ऑप्शन का पहले आपको यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो मिलेंगे, मैं भी वीडियो बना रहा हूँ, तो आप वीडियो को देखिए, सीखिए और उसके बाद ही आप ऑप्शन में ट्रेड कीजिए। और अगर आप नए हो तो मैं आपको यही सुझाव देता हूँ कि आप सबसे पहले स्टॉक में आइए, उसके बाद ही आप ऑप्शन में आइए। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद आएगा फ्रेंड्स रिस्क किस में ज़्यादा होता है। 6 पॉइंट रहेगा फ्रेंड्स, रिस्क किस में ज़्यादा होता है। तो डेफिनेटली फ्रेंड्स ऑप्शन में रिस्क ज़्यादा ही होगा स्टॉक के कंपैरिजन में। ओके, क्योंकि यहाँ पर वीकली ही एक्सपायरी आती है, यानी आज लोग लेते हो, समझ लो कि आप फ्राइडे को आपने किसी बैंक निफ्टी का कॉल या पुट लिया तो वो वीकली का रहता है, मंथली का भी रहता है, लेकिन वीकली में मोमेंटम आपको ज़्यादा मिलता है, तो वीकली में आपको संभल के लेना पड़ेगा। और अगर वीकली में अगर आपको प्रॉफिट होता है, लॉस होता है, अगर आपने उसको स्क्वेयर ऑफ नहीं किया तो ऑटोमेटिकली थर्सडे को वो स्क्वेयर ऑफ हो जाता है, और उसमें मोमेंटम भी ज़्यादा रहता है फ्रेंड्स। तो उसमें आपको चार्ट एनालिसिस भी करना पड़ेगा, टेक्निकल एनालिसिस भी सीखना पड़ेगा, कैंडलस्टिक की कैंडलस्टिक भी आपको सीखना पड़ेगा, उसके हिसाब से आप ऑप्शन में आ सकते हो और रिस्क अपना कम कर सकते हो फ्रेंड्स। एक द मनी, इन द मनी, आउट द मनी किसे कहते हैं फ्रेंड्स। अगर आप ऑप्शन में ट्रेड करना चाहते हो तो इसमें ये तीन चीज़ें आपको खास आनी चाहिए, जिसमें रहेगा एट द मनी, इन द मनी और आउट द मनी। ये हमारा रहेगा फ्रेंड 7 पॉइंट। अगर मैं बैंक निफ्टी के बारे में आपको बोलूँ कि समझ लो बैंक निफ्टी का क्लोजिंग हुआ है 41,700 पे उसका क्लोजिंग हुआ है, तो ये फ्रेंड्स हो गया हमारा एट द मनी हो गया। ओके, ये स्ट्राइक प्राइस रहता है एट द मनी, ये हो गया फ्रेंड्स एट द मनी बैंक निफ्टी। अगर साइड में अगर देखोगे 41,800, 41,900, 42,000, हर 100 पे उसका अपसाइड में ये बढ़ता रहेगा, जिसको बोल सकते हैं हम कॉल। ओके फ्रेंड्स, यानी ये हो गया हमारा फ्रेंड्स आउट ऑफ द मनी। ये सब आएगा फ्रेंड्स आउट ऑफ द मनी में आएगा, जो स्ट्राइक प्राइस से ऊपर जाएगा वो आउट ऑफ द मनी। मैं स्टॉप शॉर्ट में लिख रहा हूँ, समझ लो अभी 41,700 पे क्लोज हुआ है मार्केट, तो उसके नीचे की स्ट्राइक प्राइस यानी 41,600, 41,500, 41,400 ये फ्रेंड्स हो गया हमारा इन द मनी। ओके फ्रेंड्स, ये हो गया फ्रेंड्स हमारा क्या हो गया इन द मनी। इसमें अलग अलग साइज प्राइस पे अलग अलग उसका भाव रहता है फ्रेंड्स। अगर समझ लो कि 41,700 का 300 प्राइस रहेगा तो उसका थोड़ा इससे कम रहेगा, 250 हो सकता है, और जैसा इन द मनी में आओगे तो उसका प्राइस फ्रेंड्स ज़्यादा रहेगा, जैसे कि 350, 400। ओके फ्रेंड्स, ऐसे उसका भाव रहता है कॉल के साइड में। इसमें फ्रेंड्स दो चीज़ रहता है, कॉल और पुट, कॉल एंड पुट। आप इसमें बाज़ार अगर तेजी में हो तो भी आप रुपया कमा सकते हो, बाज़ार अगर मंडी में हो तो भी आप इसमें रुपया कमा सकते हो पुट लेके। अगर कॉल की तरफ देखते हैं तो अगर बाज़ार अभी बैंक थी अभी प्लस में चल रहा है यानी तेजी कर रहा है तो आप कॉल लेके इसमें पैसा कमा सकते हो, और अगर जब ये फ्रेंड्स डाउन की साइड में आता है फ्रेंड्स यानी नीचे मार्केट मंडी की तरफ, तो आप पुट लेके इसमें
पैसा कमा सकते हो। कई लोग फ्रेंड्स सेलिंग भी करते हैं, लेकिन मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि आप डायरेक्टली सेलिंग करना सीख जाओ। अगर आप नए हो तो आप पहले कॉल बाई करना सीखो, इससे पहले स्टॉक में आओ, उसके बाद कॉल और पुट बाई करना सीखो, इसके बाद आप स्ट्रेटेजी बना के सेलिंग में आ सकते हो फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, तो ये मैंने आपको बताया अलग अलग टाइप का स्ट्राइक वाइज रहता है। सेम ऐसा फ्रेंड्स निफ्टी में भी रहता है। ये हो गया हमारा निफ्टी। एक काम करता हूँ, मैं इसको ना रहने देता हूँ, काम लगेगा। अभी हमने बैंक निफ्टी का देखा, वैसा मैं आपको बता रहा हूँ निफ्टी का। समझ लो निफ्टी 18,200 पे आज क्लोज हुआ है। तो इसका ये हो गया फ्रेंड्स एकदम मनी स्ट्राइक प्राइस हो गया उसका एकदम मनी। ऊपर की तरफ जाओगे 18,250, इसमें 18,300, इसमें 50-50 प्लस करते जाना पड़ेगा तो उसका हो जाएगा ये कॉल। ओके फ्रेंड्स, और डाउन की साइड में फ्रेंड्स 18,150, 18,100 डाउन की साइड में जब जाएगा तो उसको बोलते हैं हम पुट, यानी आ गया हमारा ये इन द मनी। और ये हो गया हमारा एक द मनी, ये हो गया इन द मनी, और ये हो गया हमारा आउट द मनी। ये हमारा चल रहा है स्ट्राइक प्राइस इतने पे क्लोज हुआ है। ऊपर की साइड में कॉल आएगा, नीचे की साइड में पुट आएगा। ऊपर की साइड में जब जाएंगे तो उसको बोलते हैं हम आउट द मनी, नीचे की साइड में जाएंगे तो उसको बोलते हैं हम मनी, और ये हो गया हमारा एट द मनी। ओके फ्रेंड्स, ये तीनों चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। तो आइए अब मैं आपको दिखाता हूँ चार्ट में एनएससी की साइड में जाके कि भाई एक द मनी इन द मनी कॉल पुट में क्या डिफरेंस रहेगा ऑप्शन चेन में। जैसे ही मैंने आपको बैंक निफ्टी ऑप्शन के बारे में ये स्ट्राइक प्राइस के मैंने बताया, वैसे ही फ्रेंड स्टॉक में भी आता है स्ट्राइक प्राइस। ओके, वो मैं आपको सीधा चार्ट में जाके दिखाता हूँ फ्रेंड्स। तो चलो इसको मैं निकाल लेता हूँ फ्रेंड्स। आपको गूगल में जाना है और यहाँ पे आपको थ्रेड लिखना है ऑप्शन चेन। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे आप ऑप्शन चेन NSE BSE लिखोगे तो यहाँ पे ये एक साइट ओपन होगा जिसका साइट रहेगा NSE इंडिया। ऑप्शन चेन इक्विटी डेरिवेटिव्स में जाओगे तो वहाँ पे आपको यहाँ पे ये पेज ओपन होता है जिसमें मैंने आपको यहाँ पे लिखा है बैंक निफ्टी ऑप्शन और ये निफ्टी ऑप्शन। ओके फ्रेंड्स, निफ्टी ऑप्शन लिखोगे तो यहाँ पे निफ्टी का डेटा यहाँ पे आ जाएगा स्ट्राइक प्राइस के हिसाब से। और यहाँ पे अगर आप फ्रेंड्स बैंक निफ्टी रखोगे तो बैंक निफ्टी का डेटा यहाँ पे आ जाएगा अलग अलग स्ट्राइक प्राइस के हिसाब से। जैसे कि मैंने आपको बैंक निफ्टी के बारे में समझाया, वैसे ही फ्रेंड्स यहाँ पे आ गया। ऊपर की साइड में कॉल है, ये राइट साइड पे पुट है, और मैंने कुछ स्ट्राइक प्राइस आपको बताया। ये इंपॉर्टेंट स्ट्राइक प्राइस रहता है फ्रेंड्स, ये वाला। ओके, जिसमें है 31,500, 32,000, 33,500। तो हम अभी देखते हैं फ्रेंड्स ये अलग स्ट्राइक प्राइस का देखते हैं फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, जैसे कि हमारा बैंक निफ्टी 41,700 पे क्लोज हुआ है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ एक द मनी इन द मनी आउट ऑफ द मनी कॉल पुट। ओके फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको समझाया कि 41,700 पे मार्केट क्लोज हुआ है तो ये हमारा हो गया एक द मनी 41,600, 41,500, 41,400 ये हो गया फ्रेंड्स हमारा इन द मनी, और 41,800, 41,900, 42,000, 42,100 ये सब डेटा हो गया हमारा आउट ऑफ द मनी, यानी दूर की स्ट्राइक प्राइस, ये नज़दीक की स्ट्राइक प्राइस एक द मनी, और ये नीचे की दूर की स्ट्राइक प्राइस। ओके, ये हो गया हमारा कॉल का डेटा जिसमें आएगा फ्रेंड्स ओपन इंटरेस्ट चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, ये वॉल्यूम रहेगा फ्रेंड्स। जैसे स्टॉक में वॉल्यूम रहता है वैसे इसमें भी वॉल्यूम आता है फ्रेंड्स। ये आई वी रहता है, ये लास्ट ट्रेड प्राइस फ्रेंड्स। जैसे कि 41,700 के कॉल का प्राइस हम देखते हैं तो उसका प्राइस कितना है 270। जैसे जैसे ऊपर जाएगा उसका प्राइस कम होता जाएगा फ्रेंड्स, आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। और जैसे जैसे आप इन द मनी में देखोगे तो उसका साइड प्राइस ज़्यादा रहता है फ्रेंड्स कॉल की साइड में। वैसे ही फ्रेंड्स अगर पुट साइड में देखते हैं, उससे पहले हम ये देख लेते हैं बीट क्वांटिटी कितना बीट किया है लोगों ने यहाँ पे, ये उसका साइड प्राइस है, इसका ये आस प्राइस है फ्रेंड्स। ओके, वैसे फ्रेंड्स अगर पुट साइड में हम देखते हैं ये वाला, तो यहाँ पे भी सेम ही है। यहाँ पे मेन देख लेते हैं हम लास्ट शेयर प्राइस का, पुट का लास्ट शेयर प्राइस कितना रहेगा फ्रेंड्स 210 है 41,700 का पुट।
और 41,700 का कॉल, एक ही स्ट्राइक प्राइस का कॉल भी आता है और पुट भी आता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है फ्रेंड्स, ओके। और जैसे जैसे फ्रेंड्स अगर आप कॉल की साइड नहीं लगी पुट की साइड में जाओगे, यानी 41,700 41,600 की तरफ जाओगे, तो उसका प्राइस कम होता जाएगा फ्रेंड्स, ये आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। वैसे फ्रेंड्स अगर पुट की तरफ ऊपर की तरफ जाओगे, यानी 41,800 41,900 का पुट देखोगे, तो उसका साइड प्राइस यहाँ पे उसका लास्ट ट्रेड प्राइस ज़्यादा दिख रहा है हमें फ्रेंड्स, ओके। तो ये हो गया पुट के लिए इन द मनी, ये हो गया आउट द मनी, ये हो गया एग द मनी। इसके लिए आउट द मनी ये हो गया और इन द मनी फ्रेंड्स इनके लिए ये हो गया, ओके फ्रेंड्स। तो आशा करता हूँ कि बैंक निफ्टी का जो मैंने आपको अभी सिखाया स्ट्राइक प्राइस वो आपको पता चल गया होगा फ्रेंड्स, और अगर आपको पता नहीं चला तो आप बार बार रिपीट करके आप वीडियो को देख लो, आपको दो तीन बार वीडियो देखोगे तो आपको ये ऑटोमेटिक पता चल जाएगा फ्रेंड्स। फ्रेंड्स अगर आपको पैसा कमाना हो लाइफ बनाना है तो थोड़ी मेहनत तो करना ही पड़ेगा फ्रेंड्स, जैसे कि मैं आपके लिए रात को वीडियो बना रहा हूँ फ्रेंड्स, ओके फ्रेंड्स। जैसे हमने बैंक निफ्टी के बारे में देखा फ्रेंड्स, वैसे ही हम देखते हैं फ्रेंड्स निफ्टी के बारे में, ओके। यहाँ पे आप चेक करोगे फ्रेंड्स, ये निफ्टी मैंने लगाया हुआ है, यहाँ पे एक्सपायरी डेट जैसे मैंने आपको बताया कि बैंक निफ्टी और निफ्टी में एक्सपायरी डेट वीकली का रहता है, तो यहाँ पे आप चेक करोगे कभी नेक्स्ट एक्सपायरी कब है निफ्टी में और बैंक निफ्टी में, 10 नवंबर को है, उसके बाद 17 नवंबर को है, 24 नवंबर को है, 1 दिसंबर को है, वैसे वैसे वन वीक के हिसाब से उसमें एक्सपायरी डेट होता है। यहाँ अलग अलग स्ट्राइक प्राइस भी रहता है फ्रेंड्स, आप यहाँ पे इसको सेलेक्ट करके उसका रिजल्ट भी आप चेक कर सकते हो, 17,000 17,050 17,100 16,950, वैसे अलग स्ट्राइक प्राइस भी रहता है, वो भी आप चेक कर सकते हो फ्रेंड्स यहाँ पे जाके, ओके फ्रेंड्स। ये आ गया फ्रेंड्स हमारा निफ्टी 50 का ऑप्शन चेन, जिसमें आप यहाँ पे भी चेक कर सकते हो फ्रेंड, ये स्ट्राइक प्राइस आ गया फ्रेंड्स, सॉरी ये वाला, ओके फ्रेंड्स, ये स्ट्राइक प्राइस है निफ्टी में। अगर हम चेक करते हैं कि निफ्टी कितने में क्लोज हुआ, मैंने कितने में बताया था आपको निफ्टी का क्लोजिंग आया था, ये क्या हो गया, ओके ये नहीं आना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए 10 नवंबर, ये हो गया हमारा ऐसे, ओके अभी आएगा, ओके 18,200 पे उसका क्लोजिंग हुआ है फ्रेंड्स निफ्टी 50 ऑप्शन। तो यहाँ पे ये हो गया कॉल की साइड में, ये भी कॉल हो गया, लेकिन ये हो गया इन द मनी, ये हो गया एग द मनी, और ये हो गया आउट द मनी, ओके फ्रेंड्स। ये हो गया उसका स्ट्राइक प्राइस 18,200, और ये हो गया पुट की साइड में, ये हो गया हमारा कॉल की साइड में। यहाँ पे सारे डेटा सब वही रहेंगे फ्रेंड्स, लेकिन उसका ये सब वैल्यू उसका चेंज होता रहेगा स्ट्राइक प्राइस के हिसाब से, आप इसको थोड़ा स्टडी कर लो तो आपको पता चल जाएगा फ्रेंड्स, ओके फ्रेंड्स। जैसे कि हमने अभी देखा निफ्टी और बैंक निफ्टी का ऑप्शन की ऑप्शन चेन, वैसे ही हम यहाँ पे देखते हैं स्टॉक का फ्रेंड्स, यहाँ पे बहुत सारे स्टॉक रहेगा, जो लिस्टेड कंपनी है उसी का आपको स्टॉक देखना है फ्रेंड्स, हम अभी देख लेते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे स्टॉक रहेगा सिलेक्ट सिंबल जो रहता है वहाँ पे स्टॉक आपको सब मिल जाएंगे, हम यहाँ पे एबीबी करके है उसका हम अभी देख लेते हैं। आप तो आप स्टॉक में आप चेक करोगे तो यहाँ पे एक्सपायरी डेट कौन सा दिखा रहा है फ्रेंड्स, 24 नवंबर, यानी जिस महीने का लास्ट थर्सडे रहेगा वो उसका एक्सपायरी डेट रहेगा 29 दिसंबर, नेक्स्ट मंथ का 29 दिसंबर को आएगा स्टॉक के लिए, और 25 जनवरी आएगा स्टॉक के लिए। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे जैसे कि बैंक निफ्टी ऑप्शन और निफ्टी ऑप्शन में जो भी हमने देखा था वैसा ही फ्रेंड्स, यहाँ पे ये स्ट्राइक प्राइस रहेगा, सॉरी मैं रहता हूँ स्ट्राइक प्राइस रहेगा, ये सारे ओपन इंटरेस्ट चैन ओपन इंटरेस्ट वॉल्यूम लास्ट डेट प्राइस वो सब यहाँ पे आएगा, ये रहेगा कॉल साइड में, ये रहेगा पुट साइड में, सब ये डेटा आप चेक कर सकते हो फ्रेंड्स यहाँ पे। मैं सारे डिटेल में बार बार नहीं बताऊँगा वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा फ्रेंड्स। तो इसका स्ट्राइक प्राइस कौन सा रहेगा फ्रेंड्स वो हम अभी देख लेते हैं फ्रेंड्स, उसका क्लोजिंग आया है यहाँ पे, यानी 32,3250 पे उसका क्लोजिंग आया होगा फ्रेंड्स एबीबी का। तो यहाँ पे ये हो गया उसका एग द मनी, ये हो गया कॉल की साइड में इन द मनी, और ये हो गया फ्रेंड्स आउट द मनी, ये हो गया इन द मनी, और ये हो गया फ्रेंड्स एग द मनी। अगर इसका स्ट्राइक प्राइस आप देखोगे तो 50-50 प्लस माइनस हो रहा है, 3250 3100 3150 3100, वेबसाइट में जाओगे 33,000 3350 3400, वैसे फ्रेंड्स उसका
प्राइस हमें देखने को मिल रहा है। ओके फ्रेंड्स, सेम ऐसा फ्रेंड्स रहेगा, ये पुट साइड का रहता रहेगा, ये कॉल साइड का रहता रहेगा। तो इसमें भी फ्रेंड्स यही है, पुट और कॉल। ओके, अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई इसका प्राइस बढ़ने वाला है तो आप इसका एक कॉल ले सकते हो, और अगर आपको ऐसा लगता है कि पुट साइड भी नीचे डाउन जा सकता है एबीबी का स्टॉक, तो आप उसमें पुट ले सकते हो फ्रेंड्स। कोई भी स्टॉक हो, ऑप्शन हो, रिलायंस हो, HDFC बैंक हो, एक्सिस बैंक हो, इंडस्ट्री बैंक हो, RBI बैंक हो, किसी भी स्टॉक को अगर आप पकड़ लो, अगर उस स्टॉक का एनालिसिस करना आप सीख जाओ, तो उसके हिसाब से आप मंथली एक्सपायरी का कॉल और पुट ले सकते हो फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो के माध्यम के ऑप्शन में कैसे ट्रेड कर सकते हैं, आपको उसमें थोड़ा नॉलेज मिला होगा फ्रेंड्स। और अगर फ्रेंड्स अगर आपको अभी भी कुछ डाउट रहता है, तो आप और सारे वीडियो है मेरा, वीडियो मैं कुछ कुछ टाइम पे उसमें शेयर करता रहा, तो वो आप देख सकते हो फ्रेंड्स। बैंक निफ्टी का और निफ्टी ऑप्शन का मेरा वीकली एक दो वीडियो आता ही है, तो वहाँ पर भी आप देख सकते हो और आप सीख सकते हो फ्रेंड्स। आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। ओके फ्रेंड्स, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।